बोलिए हालेलुया हालेलुया। अच्छे से बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। जोर से स्तुति किया करो, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया हालेलुया। तो जब आप पवित्र आत्मा पे आश्रित रहते हैं, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। एक बार एक बहन मुझसे मिली और उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना बच्चे, उन्होंने कहा कि मैं रोज प्रार्थना करती हूँ और प्रभु के साथ में रहती हूँ, और जब भी एग्जाम होता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है और मुझे समझा रहा है, मेरे कान में कह रहा, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, लिख। कैन यू इमेजिन, पवित्र आत्मा ये कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हैं और पवित्र आत्मा पे नहीं। हम सोचते हैं पवित्र आत्मा एक शक्ति है, ऐसा होगा तो पवित्र आत्मा आ गया, है ना, किसी के हाथ हिलेंगे तो पवित्र आत्मा आ गया, या कोई अन्य भाषा बोलेगा तो पवित्र आत्मा आ गया, या कुछ ऐसा जोरदार होगा तो पवित्र आत्मा आ गया। ठीक है, चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा साथ रहने वाला सदा सहायक है, जो हमारे साथ साथ रहकर हमारे संग संग चलकर मदद करता है। अब ये नहीं कि खाली प्रार्थना में पवित्र आत्मा आ गया, बाकी समय कुछ नहीं है, गायब, ऐसा थोड़ी होता है। प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। कब रहेगा? सदा। कब रहेगा? सदा। प्रार्थना के समय है, कब्र कहां, कब रहेगा है, बोलते नहीं आप लोग, सदा। कब? सदा हमारे साथ रहेगा। के प्रार्थना में, जब चर्च आएंगे तब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा और हमारे हाथ हिलेंगे, हम अन्य भाषा बोलेंगे, है सदा हमारे साथ है। आप बस में हो, ट्रक में हो, ट्रेन में हो, बिस्तर में हैं, ऊपर हैं, छत पे, नीचे हैं, सो गए हैं, लेट गए हैं, बीमार हैं, किसी मुसीबत में हैं, जेल में हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। बोलिए आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो इस तरह से हम प्रभु के साथ रहना सीखते हैं। चलिए प्रार्थना करें और एक समय एक सुंदर गीत हम गाने जा रहे हैं, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। चलो खड़े हो जाओ और हम परमेश्वर की महिमा करें। महिमा में इतना लीन होना है और इतना खो जाना है परमेश्वर की महिमा में कि मुझे बोलना ना पड़े कि तालियां बजाओ, खुलकर गाओ, बार बार बोलना ना पड़े, बल्कि आप खुद से करो, आज खुद से करो, कोशिश करो खुद से परमेश्वर की स्तुति आराधना करने की, तारीफ करने की, खुद से तालियां बजाओ, गीत गाओ, परमेश्वर की सहायता करेंगे प्रभु, और इस समय हम पवित्र आत्मा के अनुभव करें। चलिए प्रार्थना में चलें और प्रभु की महिमा करें।
मेरा जीवन सवर गया। ताली बजा आनंद के साथ। बदलता है।
दे, चमत्कार होने दे, चमत्कार होने दे, दया का सागर, करुणा का सागर, दया का झरना, दया का झरना, दया का झरना, दया का सागर, करुणा का सागर, महिमा हो तेरी, आराधना हो, हालेलुया 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 हालेलुया, एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, बार बार गाओ हालेलुया 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 हालेलुया, दोनों हाथों को उठा के स्तुति करते जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया, हम खोल के सभी हो हालेलुया 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 स्वर्ग द्वार खुला, स्वर्ग द्वार खुला है प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का वादा है तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। प्रभु ने कहा जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं कहूंगा, प्रभु का वादा है कि देखो मैं यहां हूं। इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, ये अनुग्रह का समय है, ये इबादत का समय है, इस वक्त उसकी हजूरी में खड़े होकर अपने परिवार के साथ, इस वक्त आप जहां कहीं भी हों, चाहे आप गाड़ी में हैं, यात्रा कर रहे हैं, या अपने घर में हैं, तो स्तुति करते जाना। कुछ समय के लिए सारे कामों को छोड़कर प्रभु की इबादत करना, आज प्रभु का दिन है, आज विश्राम का दिन है जो प्रभु ने अपने लिए ठहराया है। धन्यवाद देने के लिए, स्तुति करने के लिए, वचन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्यारे भाई और बहन, जरा सी भी कोताही न बरतना, परंतु प्रभु से जोड़ जाना इस वक्त, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह इस वेदी से आपके घरों की ओर बह रहा है। बाइबल हमें बताती है, शुरू से लेकर अंत तक, पुरानी व्यवस्था से लेकर नए व्यवस्थान तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु के दासों ने, नबियों ने वेदियां बनाई और प्रभु को उसके ऊपर बलिदान अर्पित किए, और स्वयं यीशु ने अपने आप को प्यारे भाई प्यारी बहन समर्पित करके पिता को धन्यवाद का और प्रायश्चित का बलिदान अर्पित किया। इसलिए ये वेदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर राजाधिराज प्रभु यीशु, जिसने हमारे गुनाहों के लिए प्रायश्चित किया, जो हमारे उद्धारक है, मुक्तिदाता है, इस वक्त खुले हाथों सबको देता है। उसकी आशीष और कृपा आपके घरों की ओर बह रही है। जिसकी जितनी बड़ी झोली है प्यारे भाई प्यारी बहन, उसमें उतना समाएगा। जो अपना हृदय और मुंह पूरा पूरा खोलेगा, प्रभु कहता है मैं उसे भर दूंगा। कम टू जीसस। आज प्रभु का दिन है, आशीषों को बटोरने का दिन है, गुनाहों के लिए माफी मांगने का दिन है,
प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करने का दिन है, क्योंकि बाइबल कहती है कोई व्यक्ति कितना ही धनी क्यों ना बन जाए परंतु जब तक परमेश्वर का आशीर्वाद उसके जीवन पर नहीं है वो धनी नहीं है, वो अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता है। जब तक परमेश्वर घर न बनाए कारीगर व्यर्थ परिश्रम करते हैं। इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त परमेश्वर का अनुग्रह आपके और आपके परिवार पर उतरे, मैं यही प्रार्थना करूंगा। आज के इस पवित्र दिन में जब हम प्रभु की वेदी के समक्ष उपस्थित होकर उसकी आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बीच में इस रोटी के रूप में विराजमान है। योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अंतिम ब्यालु के समय प्रभु ने रोटी ले ली और अपने चेलों के साथ मेज पर भोजन करते समय उन्होंने उसे तोड़ा और उन्हें दिया, देखो ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जा रहा है। रोटी के रूप में वो हमारे बीच में रहना चाहता था, क्योंकि रोटी जीवन का प्रतीक है और यीशु मसीह जीवन देता है। अपने आप को समर्पित करें, अपनी सारी चिंताओं को समर्पित करें, अपने कामकाज को समर्पित करें, अपनी बीमारी को समर्पित करें, अपने बच्चों को समर्पित करें, पड़ोसियों को, हो सकता है आप में से कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, प्रभु को समर्पित करें। प्रभु का वचन हिम्मत देता है, सांत्वना देता है, हौसला देता है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। इस वक्त हम बड़े तन मन के साथ परमेश्वर की अगुवाई में रहकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएं, जिससे कि जो वचन बोला जाए वो हमारी जिंदगी के लिए हो, उद्धार के लिए हो और हमारे जीवन में 100 गुना फल आए। उतरा 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 खुशी से भर दे।
आसमानी रोटी प्रभु मुझको खिला दे, आसमानी रोटी प्रभु मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर पूरी रजा कितना महान है तो महिमा और प्रताप से विभूषित है, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, मेरे लिए मंदिर का द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश करके प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हे समस्त सृष्टि प्रभु का धन्यवाद करो, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तू मेरी रक्षा करता है, और मेरी सहायता करता है, हालेलुया 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 हालेलुया। जो उठना टेक सकते हैं टेकें, हाथों को उठाएं। जिसके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल खोले। भजन संहिता 51 हम दोहराएंगे, अपने गुनाहों की तौबा करते हुए और अपने माता पिता भाई बहनों सबके लिए क्षमा की याचना करते हुए इस पूरी दुनिया के लिए प्रभु से दया की याचना करें, प्रभु रहम करे, तौबा करते जाएं, जिससे कि बहुत सारे रोगियों को
जो आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं, प्रभु आशीष और चंगाई प्रदान करें। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मुझ पापी को शुद्ध कर। मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही। इसलिए तेरा निर्णय सही। और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी। मैं तो जन्म से ही अपराधी। अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे। और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना। और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल। मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा। और पापी तेरे पास लौट आएंगे। और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर। और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होंठ खोल दे। प्रभु मेरे होंठ खोल दे। और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता। यदि मैं होम चढ़ाता। तो तू उसे अस्वीकार करता। तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर कृपा दृष्टि कर। प्रभु सियोन पर कृपा दृष्टि कर। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान। तब तू योग्य बलिदान। होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया।
बैठ जाएं। प्रियजनों, इंसान की जो गति है वो ये है कि आज इंसान लोभ लालच मोह माया के चक्कर में फंस के ईश्वर से भागा हुआ है। लेकिन एक सुंदर गीत है और गीतकार ने उसमें बयां किया है कि ईश्वर से दूर रहकर जाओगे तुम कहाँ, तुम्हें खुशियां मिलेंगी कहाँ, यीशु से दूर जाकर तुम्हें खुशियां कहाँ मिलेंगी, क्योंकि उसमें हमारा अस्तित्व है, उसमें हमारी गति है, उसमें हम चलते हैं, उसमें हम सांस लेते हैं, उसमें हम जीते हैं, उसकी सांसें हमारे अंदर निवास करती हैं, जिसे आप और मैं कहते हैं कि प्राण पखेरु हो गए, एक सेकंड नहीं लगता है प्राण निकलते हुए प्यारे भाई और बहनों, और वो इस संसार में हमारी सांस विलुप्त हो जाती है। परमेश्वर की सांसें हमारे अंदर चलती हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती कि उसने हमें बनाया, मिट्टी का पुतला उसने गढ़ा, उसे सजाया और उसे संवारा, और अंत में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले के जो नथुने थे उसमें प्राणवायु फूंक दिया, अर्थात वो प्राणवायु परमेश्वर के अंदर से निकली और इंसान के अंदर प्रवेश कर गई। बाइबल हमें एक सुंदर उदाहरण देती कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो उनके घोंसले हैं और परमेश्वर उन्हें खिलाता है पिलाता है, वो जहां मर्जी चाहे वहां उठता बैठता खाता पीता, कितनी आजादी है उसको। क्या आपको आजादी है? क्या आपको आजादी है? क्या आप कहीं भी उठ सकते हैं? क्या आप कहीं भी बैठ सकते हैं? क्या आप बिना टिकट के ट्रैवल कर सकते हैं? आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन पक्षी को देखिए, आप आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ता है, उसे किसी टिकट की जरूरत नहीं है, जहां वो बैठना चाहे बैठता है, जहां चला जाना चाहे चला जाता है, और आसमान में उड़ता रहता है। और प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहते हैं, मत्ती के सुसमाचार में चेलों को सिखाना चाहते थे कि इन आकाश के पक्षियों को देखो, क्या तुम इनकी तरह आजाद रहना चाहते हो? क्या तुम इनकी तरह मेरे साथ रहना चाहते हो? तो आओ और मेरे साथ रहो, मेरे जैसे जियो। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान की शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें वचन की शिक्षा दूंगा जो तुम में आनंद प्रदान करेगी और तुम में जीवन आ जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आपसे दूर जाकर, आपसे दूर जाकर हमें बरकतें नहीं मिल सकती, हमें बरकतें नहीं मिल सकती, आशीष नहीं मिल सकती, आशीष नहीं मिल सकती। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमें अपने पास, हमें अपने पास रहने दीजिए, रहने दीजिए। हालेलुया। 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 तो आखिर क्या कारण है कि हम इस धरती पर रहते हुए भी आजादी को महसूस नहीं करते हैं? कौन सी चीज हमें उलझा के रखी हुई है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो इंसान को उलझाए पड़ी हैं? अगर आप बाइबल से जवाब मांगेंगे तो बाइबल इसके विषय में आपको बताएगी। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1। काफी मनन चिंतन करने के बाद एक और प्रभु ने रिफ्लेक्शन दिया कि हमें उलझाने वाली जो चीज है वो हमारी अपनी ही बुराई है, हमारा अपना ही पाप है। जिनके पास बाइबल है वो खोलें और पढ़ें। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 पद संख्या 1 में संत पौलुस सुंदर रूप से हमारे सामने स्पष्ट करता है और बताना चाहता है। अध्याय 12 पद संख्या 1 और उससे आगे, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 और उससे आगे लिखता है कि जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा को दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है।
फिर से पढ़ूंगा आपके लिए। संत पौलुस कहता है कि हम हर प्रकार की बाधा को दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़ दें, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़ दें। आपको इंसान नहीं उलझाता, आपको शैतान उलझाता है, आपको पाप उलझाता है, आपका अपना ही बुरा कार्य आपको उलझा देता है, आपकी अपनी ही गलत योजनाएं, आपके अपने ही षड्यंत्र आपको उलझा देते हैं। जब आप गलती कर लेते हैं, जानबूझ के जब आप किसी चीज से छेड़खानी करते हैं और आप सच को झूठ बताने की कोशिश करते हैं, तो आप प्यारे भाइयों और बहनों उलझन में पड़ जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक सुंदर उदाहरण है बाइबल में, राजा दाऊद जो अपने महल में शाम के वक्त टहल रहा था, वो प्रथा के अनुसार युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया। उसने कहा कि आज मैं नहीं जाऊंगा। उसने अपने सेनापति योआब को युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया और सेना को भेज दिया और खुद ही घर में रहा। उसके बाद क्योंकि वो आलसीपन का शिकार हो गया था, और आलस प्यारे भाइयों और बहनों आपके पतन के, आपके जीवन की पतन की शुरुआत है। आलस्यपन आपके जीवन के पतन की शुरुआत है। मतलब समझ लो कि जिस व्यक्ति के अंदर आलस्य आ गया, उसके जीवन की बर्बादी शुरू। आलस होगा, अनेक प्रकार के गलत काम करेगा, पैसा नहीं होगा, जमीन बेचना शुरू करेगा, जमीन बिक जाएगी उधार लेना शुरू करेगा, उधार जब पूरा नहीं होगा और उधार लेगा, और एक दिन अंत के दिन में आत्महत्या करने पर उसे मजबूर होना पड़ेगा। तो आलसीपन प्यारे भाइयों और बहनों उस दिन दाऊद के घर में घुस गया, वो आराम फरमाने लगा, और उस आलसीपन में उठ के वचन हमें बताता है कि वो अपनी छत के ऊपर टहल रहा था और उसने एक सुंदर स्त्री को स्नान करते हुए देखा, और अपने सेवक को उसने बुलाकर उसके विषय में पता लगाया और पूछा, और उसने बताया कि कौन है। उसने कहा कि हमारे ही एक अधिकारी जो हमारी सेना में काम करता है, उरिया उसकी पत्नी है, उसने उसे बुलवा भेजा। क्योंकि वासना की दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई, और यह सबसे पहले आलसपन के रूप में उसके अंदर आई, और जिसके तहत उसने यह घृणित काम कर डाला। एक बार देखा होगा, शायद सोचा होगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत सारी उप पत्नियां थी, उसकी अपनी बहुत सारी पत्नियां थी, रानियां थी, लेकिन इसके बावजूद उसने उस अपने दास की पत्नी को बुलवाया और उसके साथ रमण किया। इतना ही नहीं, जब उसकी पत्नी ने, उरिया की पत्नी ने राजा को कहला भेजा कि मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो और ज्यादा वो क्या हो गया, उलझन में फंस गया। अब क्या करें? मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इंसान उलझन में कैसे फंसता है। पहली उलझन कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गई, उस दुष्ट आत्मा ने उससे वासना का घृणित काम करवाया। दूसरी उलझन, अब पता लगा कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अब तीसरी उलझन की इसको कैसे हटाया जाए, कैसे समाप्त किया जाए, कैसे इसे छिपाया जाए। तो एक दिन क्या करता है, उरिया को बुलवाता है, और उरिया को क्या करता है, बोलता है कि आज तुम आराम कर लो घर में जाके। और उरिया उससे कहने लगता है, महाराज सारा देश की रक्षा के लिए सैनिक बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं, मैं कैसे आराम कर सकता हूं। वो घर में नहीं गया, उसे पता लगा कि वह एक मित्र के यहां पर जाकर क्या हुआ, वहां पर आराम फरमा रहा था। उसने फिर से उरिया को बुलाया और दावत दी, अपने घर में उसको खूब मदिरा पिलाया। खूब मदिरा पिलाने के बाद अपने सेनापति योआब को उसने कहला भेजा कि तुम ऐसा करो कि इस व्यक्ति को युद्ध के समय सबसे आगे रखना, और देखो कि ये वहां पर इसका वध हो जाए।
प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, एक उलझन के बाद दूसरी उलझन, तीसरी उलझन, और इस तरह से उसने पहले तो उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया और उसके बाद उसके पति को मरवा डाला। पाप किस तरह से इंसान को उलझन में डाल देता है, इसलिए संत पौलुस बताने का प्रयास करता है कि आप हर प्रकार की बाधा को दूर करें और आपको उलझाने वाले पाप को छोड़ दें। आइंदा से ये मत कहना मेरे पड़ोसी ने उलझा दिया, आइंदा से ये मत कहना मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने या मेरी बहन ने मुझे उलझा दिया। बाइबल हमें बताती है कि पाप हमें उलझा देता है, दुर्वासनाएं हमें उलझा देती हैं, हमारा अंतःकरण ही हम पर दोष लगाता है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप इसको पीछे छोड़कर धैर्य के साथ ईसा मसीह पर अपनी दृष्टि लगाकर आगे बढ़ते जाएं। आप ईसा मसीह के ऊपर दृष्टि लगाएं और आगे बढ़ते जाएं। जब मैं बात कहता हूं ईसा मसीह की और पवित्र शास्त्र की और पिता ईश्वर की, प्यारे भाइयों और बहनों, जिससे हम रोज ये पवित्र वचन पढ़ते हैं और प्रभु के वचन जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ये बाइबल जो इंसान को, प्यारे भाइयों और बहनों, मार्गदर्शन करती है, ये इंसान के विषय में उसे बताती है कि इंसान कहाँ पर खड़ा है, उसके अंदर क्या चीज की कमी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये पवित्र धर्म शास्त्र है जो हमें ईश्वर की बातों का, उसके रहस्यों का ज्ञान कराता, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कोई व्यक्ति इसे पढ़ता है तो वो अपने ही विषय में ज्यादा जानेगा और ज्यादा समझेगा। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने इंसान को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही छोटा बनाया है। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने इंसान को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही छोटा बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया, अपने प्रतिरूप बनाया, अर्थात जैसा वो दिखता है, जैसा वो है, उसने इंसान को वैसा बनाया है। वो प्रतिरूप हमारे अंदर उसने डाल दिया है, लेकिन मैं और आप उस प्रतिरूप को जाने अनजाने में पाप के कारण हम खो देते हैं, हम खो देते हैं, और इसीलिए इंसान उलझन में पड़ा रहता है। यूं तो बहुत सारे कारण हैं आपकी उलझनों के, आपके दुखों के, आपकी बीमारियों के, आपकी परेशानियों के, आपकी योजनाओं पूरा नहीं होने के, यूं तो बहुत से कारण हैं, लेकिन आज एक कारण बाइबल हमें स्पष्ट करती है कि जो सबसे बड़ा और बुरा कारण है, जो इंसान को नाश कर रहा है, दुनिया को नाश कर रहा है, वो है उलझाने वाला पाप, उलझाने वाला पाप, क्योंकि ये इंसान को उलझा देता। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार जो कमी घटी है, जो कमी घटी है, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उस कमी घटी को, उस कमी घटी पूरा कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। आज का ये वचन, आज का ये वचन मेरे जीवन में, मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इससे बचने के लिए उपाय क्या है? तो अगले वचन में संत पौलुस कहता है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 और उससे आगे की, ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को आप लोग सबल बनाए। अपने ढीले हाथों को, जिनमें ताकत नहीं है, जो उठाने पर जिनमें दर्द होता है, ये शिथिल पड़े हुए हैं, इन्हें आप सबल बनाए, इन्हें आप ऊपर उठाएं। याद करिए, जब योशुआ की अगुवाई में इजरायली जनता अमोरियों के साथ युद्ध लड़ रही थी, तो उस समय मूसा क्या कर रहा था? उस समय मूसा, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के आगे अपने हाथों को उठाकर मध्यस्थता कर रहा था, बिचवाई कर रहा था कि परमेश्वर इन्हें बचा। और जब तक उसके हाथ ऊपर रहते थे, हालांकि वो कमजोर थे, शिथिल थे, वो दर्द के मारे परेशान था, लेकिन
उसके भाइयों ने प्यारे भाइयों और बहनों उसके हाथों के नीचे टेकनियां लगा ली और उसके हाथों को ऊपर रखा ताकि उसकी प्रार्थना परमेश्वर के कानों तक पहुंचे और इजरायली बच जाएं। और जब तक उसके हाथ ऊपर रहते थे प्यारे भाइयों और बहनों इजरायली जीतते थे, लेकिन जैसे हाथ नीचे गिरते थे इजरायली हारते थे। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप अपने इन ढीले हाथों को, इन शिथिल घुटनों को आप सबल बनाए। मैं आपको कई मर्तबा कह चुका हूं कि आपकी समस्याओं का हल आपसे इतनी दूर है जितनी जमीन से आपके घुटने दूर हैं। एक विश्वासी को घुटनों पे आना होगा। एक विश्वासी घुटनों पर वो चीजें देख सकता है जो एक साधारण इंसान नहीं देख सकता। एक विश्वासी को घुटनों पे आना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी में रहकर अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना कबूल होती है। इसलिए आपकी कलीसियाओं में, हमारे समाज में परमेश्वर ने लोगों को चुना, पुजारियों को चुना, याजकों को चुना, मध्यस्थता करने वालों को चुना, प्रभु की कलीसिया में अगुआ लोगों को चुना ताकि वे लोग परमेश्वर के नाम पर उनकी अगुवाई करें, उन्हें अंधकार में न रखें, भ्रम में न डालें, बल्कि इस वचन को सुनाएं और पढ़ाएं। इस वचन को खोल के पढ़ना शुरू करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कोई यदि सच्चे मन से इसे पढ़ेगा तो यीशु की शिक्षा अवश्य ग्रहण करेगा, वो यीशु के पीछे चलने लगेगा, क्योंकि ये किताब ही ऐसी है। ये आपके चरित्र का आईना है, ये आपको बताएगी कि आप में क्या कमी है और आप कहां पर खड़े हैं, आपकी जीवन में कृपा का कितना लेवल ऊंचा हुआ है, नहीं आपकी उम्र के हिसाब से आप कितने ज्यादा कृपा में बढ़े हैं या नहीं। इसलिए बातों से नहीं, इस वचन से आप अपने आप को तुलना करना। अपनी तुलना दूसरों से नहीं, एक कलीसिया अपनी तुलना दूसरी कलीसिया से ना करे। अपनी तुलना यदि करना है तो आपके हाथ में जो पवित्र शास्त्र है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इससे अपनी तुलना कीजिए और देखिए कि परमेश्वर आपसे बातें करेगा। और मत्ती के सुसमाचार में जैसा उसने कहा कि जब तेरी ही आंख में धरन है तो दूसरे की आंख में तिनका क्यों देखता है, अपनी आंख से तिनका निकाल और उसके बाद तू मेरी इबादत करने के लिए आ। मेरी वेदी के सामने खड़ा है और तू अपने ही भाई को क्षमा नहीं कर सकता है और वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए आता है, ये संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। जा पहले अपने भाई या बहन को क्षमा करके आ, उसके बाद अपनी भेंट चढ़ाने के लिए आना। लेकिन हम बड़े फक्र के साथ आते हैं, सीना तान के मंदिर में आते हैं, इबादत करने के लिए आते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए आते हैं और बाजू वाले से हम बात नहीं कर सकते, उसको हम जय यीशु नहीं कह सकते, उसके आगे हम छोटा नहीं बन सकते, बड़े बनने की कोशिश करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये कहां की धार्मिकता है? प्रभु कहता है ये मुख में मेरा नाम लेते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे बड़ा दूर है, क्योंकि पाप ने इन्हें उलझा के रखा है, पाप ने इन्हें उलझा के रखा है, बुराई ने इन्हें, इनका मन कुंठित कर दिया है, शैतान ने इन्हें अपने वश में फंसा लिया है, क्योंकि उसका यही काम है। इसलिए प्रभु कहता है अब भी समय है, सुधरो, अपना आचरण सुधारो, अन्यथा मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपाधार मिटा दूंगा। हम राजा दाऊद के विषय में पढ़ रहे थे, एक राजा जिसने 40 बरस तक इज़राइल के ऊपर शासन किया, परमेश्वर ने उसको अपनी रूह का ताजा अभिषेक दिया था, पवित्र आत्मा उसके साथ रहता था। और जब उसका सेनापति ऊरिया यह कहता है कि प्यारे भाइयों और बहनों, सारी सेना देश की रक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर लड़ रही है और मैं आराम करने के लिए कैसे जा सकता हूं, और राजा उससे कहता है कि तुम जाओ और आराम करो। देखिए शैतान की युक्ति, उसका षड्यंत्र कि एक राजा इस तरीके की बात करता है और उसका सेनापति अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात करता है। तो आज इंसान इसीलिए दुख में है, इसीलिए कष्ट में है। उसकी कष्ट का मूल कारण जो है प्यारे भाइयों और बहनों, दुख का मूल कारण है ये उलझाने वाली बातें हैं,
उलझाने वाली बुराई, उलझाने वाला पाप। इसलिए संत पौलुस कहता है आप लोग इससे बचे रहने की कोशिश करें। आप लोग, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर में निहित हैं, आपका अस्तित्व उसी में है, आप उससे दूर नहीं रह सकते। इसलिए भ्रम में ना रहें, धोखे में ना रहें। बाइबल बार बार हमें समझाती, संत पौलुस कहता धोखे में ना रहें। ये दिन बुरे हैं, तपस्या नहीं करोगे नहीं बचोगे। आपके लिए परमेश्वर ने 60 70 80 वर्ष का जीवन दिया है, कुछ मौके दिए हैं आपको, आपको कुछ मौके दिए हैं, आप जो करना चाहते हैं उसमें कर लें। नरक और स्वर्ग इस जिंदगी में ही है प्यारे भाई और बहनों। कोई व्यक्ति अगर समझेगा ना तो नरक और स्वर्ग आप इसी धरती के ऊपर भोगते हैं, आप इसी धरती के ऊपर नरक और स्वर्ग दोनों भोगते हैं। जो दुख हमारे जीवन में आता है, जो कष्ट हमारे जीवन में आता है, ये हमारी रूह को तरोताजा करते हैं, तैयार करते हैं परमेश्वर के उस स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। लेकिन उससे पहले जो शरीर में हम कष्ट भोगते हैं, जो परेशानियों से हम गुजरते हैं, जिन चिंताओं से, दुर्घटनाओं से हम गुजरते हैं, या जिस कैद में हम रहते हैं, या फिर जिस पाप के गुलाम बन के रहते हैं, वो दुनिया को आज तबाह किए हुए हैं, वो दुनिया को आज तबाह किए हुए हर तरफ देखिए, चोरी, नशा, धोखेबाजी, फरेब, झूठ, इन्हीं सारी चीजों का बोलबाला है। क्या कोई दफ्तर या कोई महकमा इससे बचा हुआ है? क्या कोई भी बचा नहीं है? तो क्या हम इस बात पर विश्वास ना करें कि संसार का नायक शैतान इस संसार के ऊपर अपनी पूरी पकड़ जमाए हुए हैं और लोगों को दिखाता है कि देखो मैं ही हूं? लेकिन आप इसके वश में मत पड़ जाना, क्योंकि ये दिखाता बहुत कुछ है, देता कुछ नहीं है। ये दूर से दिखाता है लेकिन देता नहीं है। ठीक वैसे जैसे एक माँ बच्चे को, प्यारे भाइयों और बहनों, दूर से कुछ दिखा के उसे चुप कराती है, ये वैसे ही आपको भी करता है। इसलिए आज का वचन हमारे लिए है, प्रभु कहता है ये जीवन क्षणभंगुर है, ये जीवन बड़ा छोटा है। इसलिए इस जीवन की हकीकत को समझना। आप में से कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ मिडिल एज हैं, और कुछ बच्चे हैं, कुछ नौजवान हैं जो इस वक्त ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं। आप अपने घरों में, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो बाइबल आज हमें एक बात सिखाना चाहती है कि यह जीवन बड़ा छोटा है, इसे उलझनों से बचा के रखिए, इससे इसमें आनंद प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करते जाएं। दुख अवश्य होगा, कष्ट अवश्य होगा, लेकिन उसका फल मीठा होगा, उसका फल मीठा होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, भजन संहिता 90 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 12, साम नंबर 90 वर्स 12, हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा। हर व्यक्ति को स्त्रोतकार कहता है कि जीवन की क्षणभंगुरता, अर्थात छोटापन, कि जीवन कितना छोटा है, ये मिट्टी के पुतले के जैसा है, मिट्टी के घड़े के जैसा है, कागज की नाव के जैसा है, पानी लगे तो गल जाए, ठोकर लगे तो फूट जाए, ये फूलों की माला के जैसे है। आपको पता नहीं अभी इनमें से कौन चला जाएगा, कब चला जाएगा, हमारा क्या होगा, किसी को हमारी गति का पता नहीं है। हम इसी भरोसे से जीते हैं कि परमेश्वर हमारी देखभाल करता है और वो हमें चलाता है और हम सुरक्षित हैं। इसलिए बाइबल कहती है ये जीवन पानी के बुलबुले के जैसा है। याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, गर्व ना करें, घमंड ना करें अपने जीवन पर। जितना हो सके बुराई करना छोड़कर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। हर बात में अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि बड़ा कोई भी नहीं है, अच्छा कोई भी नहीं है। रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23, कोई भी अच्छा नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया है। रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23, एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते, परमेश्वर ने चाहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश उसे हो जाए, मिल जाए, जो उसके बाड़े की रखवाली करे, लेकिन ऐसा दुनिया में उसे कोई नहीं मिला, क्योंकि सबने पाप किया है, सबने पाप किया। कोई भी, प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में अच्छा नहीं है। इसलिए हमें अधिकार नहीं है किसी के ऊपर दोष लगाने का, हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकार है तो अपने ऊपर, कि हम अपने आप के अंदर देखें और इस
किताब से अपने जीवन की तुलना करें, अपने परिवार की तुलना करें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्रभु घमंडियों से सख्त नफरत करता है। प्रभु घमंडियों से सख्त नफरत करता है। प्रभु के जीवन काल में आप देखिए, पूरे मुक्ति इतिहास में यदि आप देखेंगे तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को ऊंचा उठाया जो कि जिनके घराने बहुत गरीब थे, जो लोग बहुत छोटे थे, चाहे वो अन्ना हो या जोआकिम हो, चाहे जकरियस हो या एलिजाबेथ हो, यूसुफ हो या मरियम हो, बहुत छोटे घराने के लोग थे, वो बहुत छोटे लोग थे। प्रभु यीशु के जो चेले थे उनमें लगभग लगभग मछुआरे थे और बहुत ज़्यादा गरीबी और तंग हाली में जीवन जीने वाले लोग थे वे लोग, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उठाया, उन्हें चुन के लाया, उनके अंदर वो विश्वास का दीपक उन्होंने जलाया। इसलिए परमेश्वर आपके और मेरे साथ भी ऐसा ही करना चाहता है। यदि आप परमेश्वर को अपनी उंगली देंगे तो वो आपका हाथ पकड़ेगा, यदि आप उसके साथ रहेंगे तो वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि ये उसका वादा है कि जैसे मैं मूसा के साथ, हारून के साथ था, तेरे साथ भी रहूंगा। और मैं आपको आज बता देना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, आप परमेश्वर के बिना जी नहीं सकते। विशेष तौर पर मसीह लोग, विश्वासी लोग, जिन्होंने प्रभु को अपना लिया, जिन्होंने प्रभु के वचन पर चलना एक बार स्वीकार कर लिया है, प्यारे भाइयों और बहनों, वे लोग प्रभु के बिना नहीं रह सकते। एक सुंदर गीत है, उसको गाएंगे और हम वचन पर मनन चिंतन करते जाएंगे। तो बाइबल हमें बताती है कि ये जीवन जो है घास के फूल के जैसा है, सुबह को खिलता है, सूरज का ताप लगने से मुरझा जाता है, इंसान रात में सोता है, सोता ही रह जाता है, जीवन अचानक समाप्त हो जाता है, अनेक लोग योजनाएं बनाते हैं और वो केवल योजनाएं ही बनी रह जाती, कभी पूरी नहीं होती। एक व्यक्ति बड़ी शान से घर बनाता है और घर के उद्घाटन के दिन उसका हृदयाघात से उसकी मौत हो जाती है और वो उस घर में प्रवेश ही नहीं कर पाता है। तो क्यों, आखिर क्यों इंसान इस जिंदगी के ऊपर, इस जीवन के ऊपर घमंड करे? इस जीवन का आनंद लेना, इस जीवन जो छोटा है, इसकी जो हसीन पल है उसको समझना, परमेश्वर की अगुवाई में रहकर जीवन जीने का जो मजा है वो अलग ही है। प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को व्यस्त रखना, परमेश्वर की पाक हजूरी में अपने आप को व्यस्त रखना, आलसी मत बनना, क्योंकि शैतान आलसी व्यक्ति को तुरंत टारगेट करता है और उसको जाकर पकड़ता है और उसके द्वारा अनेक सारे काम करवाता। आप खुद देखिए, जिस दिन आपके पास कोई काम नहीं होता है, आप घर में आराम फरमा रहे होते हैं, उस दिन 100 तरीके की योजनाएं आपके मन में बनती हैं, अभी मैं क्या करूं, अभी यहां जाऊं, अभी वहां जाऊं, अभी ये कर लूं, फालतू के काम। यही आज भी उसकी रीत है। तो मनुष्य योजनाएं बनाता जरूर है, बाइबल कहती है उसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर है। तो मनुष्य अपने क्रोध अहंकार जैसी बुराइयों के कारण ईश्वर की आशीष से वंचित रहता है। इसलिए इस छोटी सी जिंदगी को हसीन बनाएं, इस छोटी सी जिंदगी को प्रभु के साथ जी लें। 60-70 बरस ऐसे गुजर जाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि एक ऋतु आती है और चली जाती है। इसलिए मैंने कहा प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 10, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 10 वर्स 10, ओ मिट्टी और राख के पुतले तू घमंड क्यों करता है, जीवित रहते भी तेरी अंतड़ियों में कीड़े हैं। ओ मिट्टी और राख के पुतले तू घमंड क्यों करता है, जीवित रहते भी तेरी अंतड़ियों में कीड़े हैं। ये शरीर जिसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, तो कीड़ों का भोजन है प्यारे भाई और बहनों, ये कीड़ों का भोजन है। इसलिए कुछ कीड़े शायद हमको देख के कहते होंगे, वाह बेटा बहुत खा ले, हाँ अच्छी बात है, है ना, सब कुछ खाओ, नॉनवेज भी खाओ, सेब खाओ, मोटे हो जाओ, ताजे हो जाओ, मोटे मोटे हाथ बाइसेप्स, हाँ बहुत बढ़िया, खूब प्रोटीन पिया, हाँ अच्छी बात है, आ जाओ, अंत में तो तुमने मेरे पास ही आना है, तुम तो हमारा ही भोजन हो। आत्मा के ऊपर ध्यान दें, अपने अंतःकरण पर ध्यान दें, अपनी सोच पर ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें, अपनी बातचीत पर ध्यान दें, अपने रिश्तों पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनके भविष्य पर ध्यान दें, आध्यात्मिकता पर ध्यान दें, धार्मिक काम पर ध्यान दें प्यारे भाइयों और बहनों।
कानाफूसी चापलूसी और ईर्ष्या निंदा इनसे बचने का पूरा पूरा प्रयास करें, क्योंकि शैतान ने ठेका लेके रखा है कि विश्वासियों को किसी और तरीके से नहीं तो कलीसियाओं के अंदर कम से कम फूट डाल के राज करेगा, और ऐसा ही आज के दिन में करता है। आज अगर पूरे संसार भर की कलीसियाएं एक हो जाएं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्यारे भाइयों और बहनों, न्याय का दिन हमारे बीच में होगा, क्योंकि उसने कलीसियाओं में फूट डालकर उनके ही अंदर अनेक प्रकार की बुराइयों को पैदा करके अनेक प्रकार की उलझनों के कारण उसने कलीसियाओं में उलझने पैदा करके रखी हुई है। वो छोटा है, वो बड़ा है, वो ये नहीं मानता, वो इस तरीके से नहीं चलता, वो ये काम करता है, वो ऐसे काम करता है। अरे भाई, परमेश्वर तो एक है, प्रभु यीशु तो एक ही है, तो आप अपनी मर्जी के अनुसार उसे क्यों तोड़ते मरोड़ते हैं? आप बाइबल में जो लिखा है आप वो बोलिए, आप वो बताइए दुनिया को जो यीशु ने कहा, आप दुनिया को वो बताएं जो यीशु ने कहा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शैतान प्यारे भाइयों और बहनों शीघ्र ही आपके पैरों के नीचे घुटने टेकेगा, क्योंकि वो कलीसियाओं में इस तरीके की उलझने पैदा नहीं कर पाएगा, उसको मालूम है। इसलिए सबसे पहले कलीसियाओं के मुखियाओं को पकड़ता है, जो उनकी अगुवाई करते हैं उनको पकड़ता है, उनके द्वारा वो बहुत सारी ऐसी चीजों को कामों को करवा डालता है जिसकी वजह से कलीसिया में फूट पड़ जाती है और अपना कार्य उसका पूरा हो जाता है। पर याद रहें, हमें इन तरीके की उलझनों से, बुराई से, घमंड से, ईर्ष्या से, निंदा से, उलझन से, भटकाने वाली बातों से बचने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि फादर वे लोग ऐसा करते हैं, अरे दुनिया करेगी तो क्या आप भी करेंगे? आपकी आत्मा की मुक्ति की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, आपके परिवार का उद्धार आपके हाथ में है, आप और आपका मसीह जो आप उसके साथ रहते हैं वो आपको शिफा प्रदान करेगा। इसलिए आप दुनिया के लिए जिम्मेदार नहीं, परंतु आप अपनी आत्मा के रक्षा के लिए, उसके मुक्ति के लिए, उसके उद्धार के लिए आप प्रयासरत रहें, जैसा कि संत पौलुस लिखता, डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के उद्धार के लिए क्या लगे रहें, काम करते रहें, प्रयासरत रहें। सुंदर गीत हम गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हाँ,
रहो के पास उसके तुम्हें बरकतें मिलेंगी, जो रहो के पास उसके तुम्हें बरकतें मिलेंगी। जाओ मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। हे प्रभु अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति प्रदान कर। हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे कि हम इन उलझनों से बचें, इसलिए संत पौलुस ये कहता है गलातियों को लिखते हुए अध्याय 6 पद संख्या 7 में कि धोखे में ना रहें, आप लोग धोखे में ना रहें, क्योंकि ईश्वर की बातों का ठट्ठा नहीं किया जा सकता, ईश्वर को मजाक में नहीं लिया जा सकता, उसको मजाक नहीं किया जा सकता, वो हमारे लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए बाइबल कहती है जो शरीर में बोता है वो विनाश की फसल लुनेगा, जो शरीर में बोता है जिसे धर्मशास्त्र की बातों का अता पता नहीं है, जो केवल अपने जीवन में सिर्फ मौज मस्ती खान पान में रहता है वो अपने जीवन में विनाश की फसल लुनेगा। और अनेक लोगों के जीवन में जीवन की भूमि में जो बोया है इसीलिए वो विनाश की फसल लुनते हैं, बरकतें नहीं हैं, आशीष नहीं है, घर सूने पड़े हुए हैं। ऐसा ही एक उदाहरण बाइबल हमें बताती है लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 में खोए हुए लड़के के विषय में, उड़ाऊ पुत्र के विषय में बाइबल हमें समझाती है कि किस तरह से उड़ाऊ पुत्र उलझन में पड़ गया। जब उसने बाहर की जिंदगी को देखना शुरू किया, बाहर के लोगों से अपनी तुलना करनी शुरू कर दी,
कि वे लोग ऐसे रहते हैं, मेरे मित्र तो ऐसे रहते हैं, वो ऐसा पहनते हैं, वो फटी वाली जीन्स पहनते हैं, मेरा बाप मुझे पजामा देता है इसलिए मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे वो वाली फैशन वाली जीन्स पहननी है। तो उसके मन में एक दिन ख्याल आया कि मैं अपने बाप से बोलूं कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। देखिए उसकी उलझन कितनी बढ़ गई। उसकी उलझन इसलिए बढ़ गई क्योंकि उसने लोगों को देखा, बाहर की तुलना, अपनी तुलना बाहर के लोगों के साथ की। उसने ये नहीं सोचा कि उसका पिता एक धर्मी व्यक्ति है या फिर ईश्वर का शागिर्द है, भक्त है, इबादत करता है, नहीं सोचा। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे घर में इतने नौकर चाकर हैं, इतना पैसा है, धन संपन्न। मतलब पुराने जमाने में अगर किसी को संपन्न व्यक्ति कहा जाता था तो उस व्यक्ति के घर में संपन्नता एक उदाहरण ये हुआ करती थी कि उसके घर में सब कुछ हुआ करता था, उसके नौकर चाकर, खेत खलिहान, बनिहार, जो खेत उसके फसल लूनते थे, सब चीज उनके घरों में सब कुछ थी। तो उड़ाऊ पुत्र का बाप जो था पूरी तरह से संपन्न था, लेकिन उड़ाऊ पुत्र को वो रास नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो उलझन में पड़ गया कि ये बाहर के लोग इस तरह से जीते हैं और मैं अपने घर में इस तरह से जीता हूं, इसमें कुछ गड़बड़ है, नहीं मुझे बाहर जाके देखना चाहिए। ये उसके जीवन में उलझन थी। इसलिए उसने कहा, पिताजी आप एक काम करो, मेरा हिस्सा आप मुझे दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूं। वो बाहर की जिंदगी बहुत अच्छी है, मेरे दोस्त ऐसे रहते हैं, उनके पास मोटरसाइकिल है, उनके पास ये है, उनके कपड़े ऐसे हैं, उनके जूते ऐसे, मैं भी वैसे ही पहनना चाहता हूं। लेकिन उस बेचारे को मालूम नहीं था कि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। पर जिस दिन वो अपनी पोटली लेके बाहर जाता है, उसके बहुत सारे मित्र उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, और जब आपकी धन की पोटली भरी होती है तो आपके बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन जब आपका धन समाप्त तो हो जाता है तो उस वक्त कोई भी आपके पास नहीं आता है। और एक दिन ऐसा ही हुआ, सबने उसको लूटा और उसका जीवन खराब हो गया। वेश्याओं के पीछे उसने अपना धन, प्यारे भाइयों और बहनों, सब कुछ गंवा दिया। और उसे एक ऐसी जगह में काम करने के लिए मौका मिला जहां पर सुअर रहते थे, और उसने वही खाना खाया। अपने बाप का घर छोड़कर जहां पर सैकड़ों नौकर भरपेट भोजन करते थे, जहां आलीशान चीजें थी, हर चीज जहां पर मुहैया थी, हर चीज जो उपलब्ध थी, उसको छोड़कर ये उलझन में पड़कर अपने जीवन को नष्ट कर देता है। ऐसे ही आज इंसान, नौजवान, बच्चे, नवयुवक और युवतियां इसी तरह से शैतान उन्हें बेकाता, उलझन में डालता और जीवन खराब बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इन उलझनों से बचने का पूरा पूरा प्रयास करें, शैतान को अवसर ना दे। बाइबल हमें बताती है, अफेसियों के पत्र अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि शैतान को अवसर ना दे। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि दहाड़ते हुए शेर की समान विचरता फिरता है, किसको कब किसके बेटे बेटी या किसके धन संपत्ति को वो सेंध लगाए और खा जाए और किस तरह से वो बर्बाद करे। आज नौजवान बच्चे, नवयुवक और युवतियां अपने शरीर को, अपने मन को यूं ही अपवित्र किए हुए बैठे हैं। प्री मैरिटल सेक्स की समस्या, और छोटी उम्र में ही अपने शरीर से खिलवाड़, अनेक बातें प्यारे भाइयों और बहनों उनका जीवन बर्बाद किए हुए है, और वो नहीं समझ रहे हैं कि पवित्रता में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है, मन की शुद्धता में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है, सत्य में जो ताकत है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और झूठ को सत्य के सामने एक दिन झुकना ही पड़ता है। इसलिए संत पौलुस कहता है, धोखे में न रहें, आप लोग शरीर की फसलों में ना बोएं, आप इस संसार की फसल में ना बोएं, आत्मिक फसल में बोएं, आप ज्ञान की फसल में बोएं, पवित्र वचन की फसल को बोएं, और आप वही काटेंगे और आपके जीवन में वैसा ही होगा। तुम अपने मन में यह ना कहो, बाइबल हमें बताती है कि यह सब काम हमने अपने सामर्थ्य से किए हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 17, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पद संख्या 17, ड्यूट्रोनमी चैप्टर 8 वर्स 17, कि तुम अपने मन में यह सब यूं ही मत कहो कि हमने अपने सामर्थ्य से किया है,
क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में आशीष, धन, संपत्ति और हर चीज को देने वाला है वो परमेश्वर है। इसलिए ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होता है, बाइबल कहती है। सुन लीजिए ध्यान से, नीति वचन अध्याय 28 पद संख्या 20, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 20 कि केवल ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जल्दी धनी बनना चाहेगा उसे दंड दिया जाएगा, जो मेहनत नहीं करना चाहता उसे दंड दिया जाएगा। इसलिए इस उलझाने वाली चीज से आप दूर रहें, क्योंकि ये कृपा को छीन लेता है, ईश्वर की आशीष को हमसे दूर कर देता है। इसलिए इससे बच के रहना, इसके दांत शेर के दांत से भी पैने हैं प्यारे भाई और बहनों। बाइबल हमें बताती है पाप के दांत कैसे हैं, शेर के दांतों से भी ज्यादा क्या है, पैने हैं। पैने मतलब तेज हैं। प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराख चैप्टर 21 वर्स 1, पुत्र क्या तुमने पाप किया तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो, सांप के सामने की तरह इससे दूर भाग जाओ, यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा, उसके दांत शेर के दांतों के जैसे हैं, वे मनुष्यों की आत्माओं का विनाश करते हैं। उलझाने वाली बात मतलब पाप जो है वो मनुष्य की आत्मा का विनाश करता है, शरीर का तो कुछ नहीं करता। शरीर का तो जो होना है वो तो होना ही है क्योंकि ये तो मिट्टी है, लेकिन आत्मा का विनाश करता है। ये बाइबल का वचन है, ये बाइबल कहती है कि पाप के दांत इतने पैने हैं कि ये शेर के दांतों से भी तेज हैं, और वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं, और प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार के जैसा है, उसके घाव का कोई इलाज नहीं है। जब तक कि प्रभु यीशु इन पापों का अकाउंट क्लोज ना करे, इन श्रापों के खातों को क्लोज ना करे, क्षमा ना करे, तब तक उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए यशायाह नबी बार बार याद दिलाता है, प्राश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डाल देता, उलझन में डाल देता है, इसलिए उसे नींद नहीं आती है। घूस लेने वाला व्यक्ति सदा डर के रहता है किस दिन उसकी इंक्वायरी हो जाएगी, किस दिन उसके खाते खुल जाएंगे, किस दिन उसकी फाइल खुल जाएगी, अब उसकी पेंशन रुक जाएगी, ग्रेचुटी रुक जाएगी, क्योंकि उसके पेपरों में कुछ ना कुछ, वो सदा जिंदगी भर उलझन में ही रहता है। देखिए वो सदा उलझन में ही रहता है, उसी के विषय में सोचता रहता है कि कहीं गड़बड़ थी, कहीं कुछ हो गया। तो ये उलझन वाले काम से बचना, संत पौलुस आज के दिन में स्पष्ट करता है कि ये उलझन वाले कामों को छोड़कर ईसा मसीह की ओर अपनी दृष्टि लगाएं और आप आगे बढ़ते जाएं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में कहता है कि मुझे जो उद्देश्य जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूं, मुझे अभी तक वो मिला नहीं है, मैं तो सिर्फ दौड़ता चला जाता हूं, इसी दौड़ में हूं कि मैं उसको जाकर प्राप्त करूं। यही मसीहों की गति है, यही विश्वासियों का काम है कि हम डरते कांपते हुए अपने कामों में लगे रहें, धार्मिकता के कामों में लगे रहें, परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखें, उसका घर बनाते रहें, अन्यथा हमारे जीवन में खुशी नहीं रहेगी, खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि ये पाप हमारे जीवन से बहुत सारी चीजों को छीन लेता। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 22, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 22, अगर आप उलझन में हैं, सुनिए ध्यान से, अगर आप उलझन में या पाप में हैं तो आप खुश नहीं रह सकते, पहली बात। दूसरी बात, मन में शांति कभी नहीं होगी। तीसरी बात, प्रार्थना करने में आपको बाधा होगी। चौथी बात, ईश्वर से आप दूर जाते रहेंगे। पांचवी बात, ईश्वर को आप धन्यवाद नहीं दे सकते, क्योंकि अगेन एंड अगेन वही समस्या, वही विचार, वही बाधा, वही उलझन हमें सताती रहेगी। आत्मा की प्रेरणा हमारे अंदर से क्या होती जाएगी, समाप्त होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, पवित्रता हमारे जीवन से दूर चली जाती जाएगी।
और हमें अपना ही अंतःकरण दोष लगाता रहेगा कि तुमने ऐसा किया, देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ये काम गलत किया, काश ये तुमने ऐसा नहीं किया होता, हो सकता था कि हम इससे बच सकते थे, काश हमने पहले ये ऐसा किया होता। तो हमारा अपना ही अंतःकरण, हमारा अपना ही अपराध बोध हम पर दोष लगाता जाएगा। ईश्वर के अनुग्रह से हम क्या होते जाएंगे, दूर जाते रहेंगे और हमारे जीवन से धीरे धीरे अभिषेक चला जाएगा। जब हम इन उलझनों के अधीन रहते हैं, जब पाप के अधीन रहते हैं, जब हम पाप के दास बन जाते हैं, उसकी गुलामी में रहते हैं, तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम चल नहीं पाते और जैसा वो चाहता है हम कर नहीं पाते, क्योंकि हम अपने शरीर की वासनाओं से संचालित होने लगते हैं और ये हमारे शरीर को, ना केवल शरीर को, हमारी आत्मा को भी नष्ट करने लगती हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार की गड़बड़ी है, प्रभु आज उसे चंगा करे और हमें आशीष दे। जितने भी लोग बीमार हैं इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन आपने सुना है, बहुत सारे लोग आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं, कुछ लोग अपने बुरे पापों और गलतियों के कारण अंदर ही अंदर आत्मग्लानि महसूस करते हैं, इसलिए वो खुश नहीं रह पाते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में शारीरिक रूप से बीमार हैं। आइए आज ये हम प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे इस वक्त। प्रभु हमें आशीष दे, सारा बंधन टूटे हमारे जीवन से, परमेश्वर की आशीष हम पर उतरे और हमें आशीष प्रदान करे। तेरे आने से
मिट्टी को यीशु ने जिंदा किया। होने दे महिमा होने दे इन
हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 चंगाई दाता यीशु राजा तेरे इन बच्चों पर दया कर, इनके हृदयों आत्मा इनके शरीरों की नसों में तेरा पवित्र लहू बहने दे। प्रभु यीशु इन्हें चंगा करने की कृपा कर, इनकी हड्डियों में इनकी हड्डियों की मज्जा तक में तेरा पवित्र लहू बह जाए, वो लहू जो शिफा देता चंगाई देता है। हे राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आज तेरे इन बच्चों पर दया कर, इनकी मेहनत मजदूरी इनके घरों परिवारों पर इनके बाल बच्चों पर इनके दफ्तरों खेत खलियानों पर इनकी योजनाओं इनके घरों परिवारों पर दया करने की कृपा कर। याद कर जो तेरे पास आया तूने खाली हाथ नहीं लौटाया, अंधों को आंखें बहरों को कान गूंगों को वाणी लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया मुर्दों को जिलाया पापियों को शिफा दी। हे प्रभु तेरे इन बच्चों पर दया कीजिए अब्बा पिता दया कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कर, गुनाहों को माफ कर, हम अपने गुनाहों के लिए तौबा करते तेरे सामने नतमस्तक हैं, अपने परिवार को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु दया कीजिए हम जैसे भी हैं प्रभु, तू हमें छू ले, हमें चंगा कर दे, हमें माफ कर दे। दोनों हाथों को सीने पर लगाए, प्रभु से कहना छू मुझे जैसा भी हो, प्रभु तेरी दया मेरे ऊपर उतरे। तू दया का राजा है, विचलित ना होना, ये अनुग्रह का समय है। The anointing is flowing right now here. स्वर्ग द्वार खुला हुआ है, आशीष बह रही है, स्तुति आराधना ऊपर जा रही है, हमारी पुकार ऊपर जा रही बादलों को चीरते हुए और आशीष नीचे उतर रही है। एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, बुजुर्ग, नवयुवक और युवतियां आशीष और बरकतों को बटोरना। प्यारे भाई प्यारी बहन, कोई है जिसके दिल में समस्या है, कोई है जिसके दिल में ब्लॉकेज की समस्या है, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। इस वचन पर विश्वास करना, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। बस प्रभु से कहना मैं जैसा भी हूं तुम मुझे छू, तुम मुझे छू और मुझे चंगा कर। से पीड़ित हैं तो अपनी चंगाई के लिए पापों की क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करें। जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं अभी और इसी वक्त प्रभु से शिफा और चंगाई दे। जिन्हें बाल झड़ने की समस्या है, सर्वाइकल का रोग है, शरीर में इन सिर में जो इन्फेक्शन है, प्रभु यीशु आपको इससे आजाद करें। विश्वास करना, ईश्वर की महिमा देखेंगे।
तुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर में करो मोती परस्तिश के चुन के प्रायश्चित की मुद्रा में प्रभु से प्रार्थना करें। निसंतान दंपति इस वक्त प्रार्थना करते जाएं। प्रभु आपके शरीर के सारे बंधनों को तोड़े, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या उलझनों को प्रभु आज सारे बंधन टूटे। प्रभु के वचन से सारे श्राप प्यारे भाई प्यारी बहन मिट जाते हैं। दोनों हाथों को वेदी की ओर बढ़ाना, प्रभु से प्रार्थना करना और वो आपकी पुकार को सुनेगा। आपकी बेटी जिसकी शादी नहीं होती है समर्पित करना, आपका बेटा जो लंबी उम्र हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हुई अभी तक समर्पित करते जाना, आज प्रभु वो बंधन तोड़े हैं। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को आमीन साइटिका के दर्द से पीड़ित है, कमर की नस में बहुत ज्यादा दर्द है, इस वक्त प्रभु आपको आराम दे रहे हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु आपके गुनाहों से आपको आजाद करता है, क्षमा करता है। प्रभु बस ईमानदारी और वफादारी को गले में डाल लो, प्रभु कहता है, और मेरे पीछे चले आओ, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यस लॉर्ड, राइट नाउ तेरे इन बच्चों पर दया कर। आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू के द्वारा, यीशु के पवित्र सामर्थ्य वचन से, यीशु के पवित्र सामर्थ्य सलीब से, यीशु के पवित्र सामर्थ्य कोड़े खाने की योग्यता से, मैं इस वक्त हर अंधकार की शक्ति रोग बीमारी पर अधिकार लेता हूँ, आदेश देता हूँ, आपके शरीरों परिवारों और जीवन से निकले और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए, राख हो जाए। Be healed in the name of Jesus. Amen. यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाओ। Amen. यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से उठो और चलो फिरो। Amen. यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आपकी हड्डियों में बल आ जाए। Amen. यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आपके जीवन से बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा निकले और जाए। Amen. यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से कैंसर की दुष्ट आत्मा आपको छोड़े और जाए। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से तंत्र मंत्र जादू टोना धागे ताबीजों की दुष्ट आत्माएं
आत्माएं, हर प्रकार के बंधन सताने वाले प्रलोभनकारी दुष्ट आत्माएं आपके शरीरों को छोड़े और जाएं। आमीन। आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आपके शरीर, आत्मा, हृदय, परिवारों से हर उस बुराई की दुष्ट आत्मा को डिस्कनेक्ट करता हूँ, जो परिवारों को विनाश कर रही, जो शरीरों को विनाश कर रही, जो आत्माओं का विनाश कर रही। आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से हर गंदी बदरू को आदेश देता हूँ, आपके परिवारों से, शरीरों, आत्माओं, हृदय और जीवन से निकलकर क्रूस के नीचे बन जाए। बोले आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका पवित्र लहू लेकर, मैं आपका पवित्र लहू लेकर शरीर पर, अपने शरीर सिर से लेकर पांव तक, सिर से लेकर पांव तक विलेपन करता हूँ, विलेपन करता हूँ, और संरक्षण की, और संरक्षण मांग करता हूँ, मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से, अपने पवित्र लहू से मेरे परिवार को, मेरे परिवार को ढक लीजिए, ढक लीजिए। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परिवार में, मेरे परिवार, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन दुष्ट आत्माओं का, दुष्ट आत्मा तंत्र मंत्र का, तंत्र मंत्र कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। अपने जीवन से, अपने जीवन से हर प्रकार की बुराई को, हर प्रकार की बुराई को त्याग देता हूँ, त्याग देता, त्याग देता हूँ, त्याग देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति। खड़े हो जाएं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हाथों को उठाएं, मांगने से चिन्ह चमत्कारों के लिए। हे प्रभु यीशु, तूने अपने बच्चों को चंगाई प्रदान की, बदरूहों से इन्हें आजाद किया, धागे ताबीजों से, तंत्र मंत्र से, जादू टोने से इन्हें आजाद किया है। इन पर दया करने की कृपा कर, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस संगति के लिए, इस बंदगी के लिए तू हमारे साथ रहा, तेरा ताजा अभिषेक हमें प्राप्त हुआ। प्रभु हम तेरे शुक्रगुजार हैं, अब तू अपने इन बच्चों की देखभाल करना, रात्रि के समय तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें, डर खौफ कतरे शैतानी ताकतों से इन्हें बचा के रखें। मैं तेरा दास तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ,
तेरे पवित्र लहू से ने ब्लेस करता हूँ, अपनी रूह का ताजा अभिषेक ने प्रदान कर, इनके आटा गूंदने की परात, इनके चौखट इनकी बिछौनों के ऊपर तेरे पवित्र लहू की मोहर लगाता हूँ, इन्हें संरक्षण प्रदान करने की कृपा कर। तू अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है, सच है प्रभु जो तेरे पास आया, तूने खाली हाथ नहीं लौटाया, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। तेरे इन बच्चों पर दया कर और इन्हें चंगाई, तंदुरुस्ती और अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद सर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें, जोरदार, कंजूसी नहीं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को आशीष मिली है? अरे किसी को नहीं मिली, बहुत कम लोग। कितने लोग को आशीष मिली है? थोड़ी थोड़ी मिली है क्या? पूरी मिली तो पूरा हाथों पर उठाना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये अंगीकार होता है, आपको पता है, ये अंगीकार होता है। जब आप कहते हो मुझे आशीष मिली है, तो मिली है मतलब होगा। आप जानते हैं, आप धन्यवाद देते हो जब शुरू से ही, जब धन्यवाद दे के रखते हो, आपके लिए वैसा ही होता है। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक गीत है, बड़ा अच्छा है, कि हमको दुनिया से क्या काम, रे हम तो जोगी मसीह के। गाएंगे? कितने लोग गाना चाहते हैं, कितने लोग नाचना चाहते हैं, स्वागत है। ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं। हमको दुनिया से क्या काम, रे हम तो जोगी मसीह के। दुनिया से क्या काम, रे हम तो जोगी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम, रे हम तो जोगी मसीह के। जो जोगी हैं वे खड़े हो जाएं और नाचो गाओ, प्रभु में मस्त रहो। ठीक है,
सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का कलाम जो आपने सुना है आपके जीवन में 100 गुना 60 गुना फल लाए। आप में से बहुत सारे लोगों को आज प्रभु ने तंत्र मंत्र से, धागे ताबीजों और अनेक प्रकार के बंधनों से आज़ाद किया है। अनेक लोगों का मन भारी था, कुंठित था और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था सिर के ऊपर कोई भार है। प्रभु ने आज आपको बहुत हल्का किया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने उन्नति की शुरुआत की है और कहा कि तुम लोग पिछली बातों को भुलाओ। एक नया काम मैंने आज तुम्हारी ज़िंदगी में शुरू किया है और वो काम प्रभु कहता मेरी इतनी इच्छा है कि बढ़ता जाए, आप में उन्नति आए, आध्यात्मिक उन्नति आए और पवित्र आत्मा इसमें वचन के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा। यही मेरी गुजारिश है और यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। आप जितने लोग आज पहली बार ऑनलाइन इस रविवार ये सत्संग में भाग ले रहे थे, मित्रों के साथ इसे अवश्य साझा करें। हम सब के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, विशेष रूप से मेरे लिए कि प्रभु हमें तंदुरुस्त रखे। इसी तरह आपके साथ मिलकर हम बंदगी करते रहें। कल संध्या 7 बजे आपके साथ पुनः ऑनलाइन एक साथ होकर प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए आशीष में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु की।